बहुत अच्छे भाई के लिए भी बहुत सारी दुआएं अल्लाह पाक भाई के लिए भी आसानी फरमाए और भाई मोहम्मद आसिफ साहब अल्लाह पाक इनके घर में भी बहुत ज़्यादा इजाफा फरमाए अल्लाह पाक भाइयों को सब भाइयों को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए भाई के लिए नकाबत को जो नून है मैं तो उसको भी नहीं जानता बस भाई आशिक की मोहब्बत है आशिक की महफिल सजाई इश्क के साथ तो आशिक हो ही अदा बदा तो इस वजह से मैं इंशाल्लाह हुजूर को जो आशिक है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला उनकी दो तीन रवैये पेश करते हैं सिर्फ चार वक्त भी बहुत कलील है जितना टाइम मुझे मिला इस टाइम तक मैं अपनी हाजिरी पेश करके इजाजत चाहूंगा जरा दाएं हाथ बंद करके एक दफा कह दो सुभान अल्लाह और आपके नाम का जन्नत में दरख्त लगाया जाता है जो जो ये चीजें सब लेना चाहता है बाबा से बात कर दोस्तों शर्माना नहीं आए बैठे हैं शर्माना नहीं आज कुछ लेके जाना है महफिल चाहे हमारी छोटी क्यों नहीं हम इस यकीन से हैं कि हम अपनी खाली झोलियां यहां से भर के लेके जाएं जिस जिस का ये अकीदा है हाथ बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह शायर कहता है दूसरा सज्जे ले ले कुत्ते ले ले नेकियां दे घर पर खपे ले ले सुभान अल्लाह एक दफा कह दे दर्जे पे नब्बे ले ले बाबा से बात कह दो सज्जे ले ले खपे ले ले नेकियां दे घर पर खपे ले ले सुभान अल्लाह एक दफा कह दे दर्जे पे नब्बे ले ले बाबा से बात कहो सुभान अल्लाह सारे दोस्त एक दफा आकाए कोटन की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश कर लो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या इमाम अल अंबिया व अल मुरसलीन साउंड बने सही पर माशाल्लाह बहुत अच्छा साउंड ऑपरेट कर रहे हैं अल्लाह पाक इनके लिए खुसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके कारोबार में इमल में अमल में उम्र में इजाफा फरमाए तो दोस्तों हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु और जिस इश्क से फरीदे ये आका कुनैन की बज़म सजाई है भाई ने मेरे कान में आते ही और कॉल पे भी मुझे यही गाया है हफ़ज़ भाई आपने सिर्फ इश्क के चंद अशआर जो है ना जितने इश्क से मैं ये आठवीं सालाना महफिल मिलाद उन नबी जो हुज़ूर पाक की सजार उतने इश्क से आपने वो इश्क की दो रवैये पढ़ी और अपनी अहले सुन्नत व जमात का तारफ सुना के बस ये आप चले जाना जहाँ भी था मैं भाई की कॉल पर हाजिर हुआ मैं समाज आप तुझे पता है तुझे पता है कहां कहां आपके पेपर होंगे कहां कहां सेंटर बनेंगे आपके बिलाल हबशी कहता जब मैंने सब कुछ पास कर लिया बता इश्क तो मुझे देगा क्या तू मेरे साथ करेगा क्या तू बता मैं हाजिर बिलाल का इश्क कहता है बिलाल मेरे कोल अमानता तेरिया ने बिलाल मेरे कोल अमानता तेरिया ने तेरे तक जरूर पहुंचावांगा मैं बिलाल मेरे कोल अमानता तेरिया ने तेरे तक जरूर पहुंचावांगा मैं तेरा जोड़ इस दुनिया नाल पहनाई मारा ओना तो तेरे को पावांगा मैं जो ना पैदा तेरे तसदियां बोलियां कतियां रेता ते तेनु लटावांगा मैं तेरा जोड़ इस दुनिया नाल पहनाई मारा ओना तो तेरे को पावांगा मैं तेरे नाखना विच की विच खोद के एक अजब दास्तान बनावांगा मैं बिलाल के अच ने ये कर ले इश्क कहता है फिर जिन अर्श ते सज के रब मिल जाए जिन अर्श ते सज के रब मिल जाए ओदे सीने नाल तेनु लावांगा मैं जिन अर्श ते सज के रब मिल जाए ओदे सीने नाल तेनु लावांगा मैं जिस कद वाले करदा जग सजदे जिस कद वाले करदा जग सजदे उसकी छत ते तेनु चढ़ावांगा मैं ते शायद ने लिखा है काल थले ते हाल उते नबी दा हुस्न ओ जमाल उते हाल थले ते काल उते नबी दा हुस्न ओ जमाल उते इश्क तेरी अज़मत दे सदके काबा उते बिलाल उते बाबा से नाम तो से कह दो असि चुपनी में सुभान अल्लाह दी चाहिए देखो ना मैं महफिल में जगा के जा सिर्फ 4 मिनट में मिले यार संगीतगी ला दो आ जा कर कुछ ले के जाए कज पाल आकर की महफिल सजाइए दारंद की मोहब्बत का आका ने अपनी आवाज आई खुल के बैठो शर्माना नहीं बाबा से बोल देना सुभान अल्लाह जिन अर्श के सद पे रब मिल जाए उनके सीने नाल के नाम को मैं जिस काम के वाले करता है जग सजदे उनकी छत पे ते दो चढ़ावांगा मैं अर्श उठने के होरा तकसीम हो जाए सरदार होरा की ते लंगलावांगा मैं
तो पहले तेरे जन्नत चले जावांगा। इसी इश्क पे एक शायर बोला, इसी इश्क पे शायर बोला कि इसका तेरे हाथ ने उचेर, इसका तेरे हाथ ने उचेर, जिन्नू भी तू पाया पेच अलिया को तू खूब चढ़ावे पानी दे विच अग्गा लावे, अलिया को तू खूब चढ़ावे पानी दे विच अग्गा लावे, जिथे भी तू पाया फेरा सुनना कीता तू चार चुफेरा, तू ना बनया किसे दा सिरदा छड़दा नहीं तू किसे दा मित्रदा, तू ना बनया किसे दा सिरदा छड़दा नहीं तू किसे दा मित्रदा, तेनू जिन्ने भी गल लाया उन्हें अपना आप गवाया, छा मंसूब ला तू की कीता उन्हें जम जो तेरा पीता, हथी मतवाल गवाया फिर सुपनी चाड़ वखाया, एक तार दे तारे हुंदा खुद छड़िया तू हुंदा हुंदा, मैनू पता जे बाज नहीं तू आना चुप रहन नहीं देना ते कुछ कहन नहीं देना, जे तू अख के छोड़े कोलों मौत मंगे मौत आनी भी नहीं तेनू ते जिंदा रहन नहीं देना, बस अपने अहले सुन्नत वल जमात पहचान हाथ मेरे भाई पेश करके इजाजत चाहूंगा भाई, एक बाबा से पुरजोर नारा तकबीर नहीं नहीं फिर सजी थी या बारी तला हमने तेरा जिक्र किया, दाया हाथ बुलंद करके गवाही दे, नारा तकबीर नारा तकबीर नारा अजमेर शरीफ भी जाने जो मनाने के पहाड़े पाने पागल सरकार के कोल फकीरा
ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਏ ਜਿਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਜਿਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਗੈਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਮੌਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਪੁੰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾਸਰ ਅਸਲੀ ਸੁੰਨੀ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇ 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 ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘਟਾ ਸੋ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾ को असापे जली कहते हुए क्यों झिझकता है अली को वली कहते हुए जब मौलाए को इसे तस्लीम करता है तो मौत क्यों आती है तुम्हें या अली कहते हुए नाराए अली किल्म है जो सूरज मुस्तफा अली बाब है जो अमारत मुस्तफा अली रोशनी है जो सूरज मुस्तफा अली रोशनी है जो चांद मुस्तफा अली अल किताब के पारे है अली किसी के नहीं अली हमारे हैं की रात कपड़े वही चादर वही दस्तार वही चलता है तो लगता है अल्लाह का नबी है अगर से बदमदार है सम्मत का के काफर सोया तो मोहब्बत था ये झटका क्यों नहीं है फिर एक काफर कहता है वो रहमत